हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y75 डिवाइस के अंदर आप एक्सटेंडेड रैम इनेबल कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम इनेबल कैसे करेंगे। दोस्तों, एक्सटेंडेड रैम होता है कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रैम होते हैं और उसको आप अपने रैम के साथ जोड़ के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपके फ़ोन में अगर 8 GB रैम है तो आपके फ़ोन के अंदर एक्सटेंडेड रैम भी वहाँ पर होगा, 6 GB या 8 GB रैम भी रहता है, तो उसको भी आप अपने फ़ोन में ऐड करके जोड़ सकते हैं। जो आपका रैम है अगर 8 GB है तो 8 + 8 हो जाएगा, तो आपका जो रैम है वो 16 GB हो जाएगा, तो आपका जो फ़ोन है और भी पावरफुल हो जाएगा। तो उसको इनेबल कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम यहाँ पर अपने सेटिंग को ओपन करते हैं। आप देख रहे हो जो हमारा सेटिंग है यहाँ पर ओपन हो जाता है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके फ़ोन का स्टोरेज है यहाँ पे आ रहा है, कितना यूज हो रहा है, और ऊपर में आपको मिलता है रैम का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका रैम है कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपका रैम एक्सटेंडेड रैम ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी हमारे फ़ोन में 8 GB रैम आ रहा है, ये प्लस होकर यहाँ पे आएगा। तो नीचे आपको मिलता है एक्सटेंडेड रैम, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता दें, जो हमारा फ़ोन है वीवो Y33 जैसा है, आपका फ़ोन वीवो Y75 है, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में रैम देखने को मिल जाएगा, कितना एक्सटेंडेड रैम यहाँ पे आपको मिलता है। हमारे फ़ोन में अभी यहाँ पे 4 GB है, आपके फ़ोन में 8 GB हो सकता है, क्योंकि तो सारे फ़ोन में 8 GB रैम आ रहा है, तो वहाँ पर आपको फ़ोन में 8 GB रैम हो सकता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में अभी यहाँ पे 4 GB रैम है, तो ये प्लस होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए आपको ये वाले बटन को इनेबल करना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, आपका फ़ोन यहाँ पे रीस्टार्ट करने को आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3-4 सेकंड बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है रीस्टार्ट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे अपने फ़ोन को, जो आपका फ़ोन है वो स्विच ऑफ होगा, इसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। जब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा तो आपका जो रैम है वो डबल हो जाएगा, वहाँ पर जो आपका एक्सटेंडेड रैम है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर बंद हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। और आपको अपने फ़ोन में इसको रीस्टार्ट कर लेना, जब आप इसको अपने फ़ोन में रीस्टार्ट करेंगे तभी आपका जो रैम है आपके रैम के साथ जुड़ पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम इनेबल करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम इनेबल करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।